आप देख रहे हैं BHBC News। देश में बढ़ती बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर युवाओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो अपना विरोध दर्ज करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे मना रहे हैं। नौजवानों के इस विरोध प्रदर्शन का असर ट्विटर पर व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है। ट्विटर पर इस वक्त हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड से लगातार नौजवान जुड़ रहे हैं और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज ट्विटर के जरिए बुलंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से इस विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी। ट्विटर पर छात्रों और अभ्यर्थियों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जा रही थी। 11 सितंबर से ही ट्विटर पर हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा था। इस ट्रेंड से जुड़े ट्वीट्स को देखने पर पता चला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर यानी 17 सितंबर को देश के युवा 17:17 पर सोशल मीडिया के जरिए बेरोजगारी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करेंगे। ट्विटर पर चलाई जा रही इस मुहिम को देश भर के बेरोजगार नौजवानों का समर्थन मिला और देखते ही देखते ट्विटर पर हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे टॉप ट्रेंड बन गया। खबर लिखे जाने तक इस ट्रेंड पर 163,000 लोगों के ट्वीट्स आ गए। सबने इस हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। लोगों ने पीएम से पूछा कि आखिर 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पूर्व 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हद तो तब हो गई जब सरकार के कुछ फैसलों के कारण कई नौकरी कर रहे नौजवानों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद कई नौजवानों का रोजगार कोरोना की भेंट चढ़ गया। इससे देश के युवाओं का गुस्सा बढ़ गया और उसने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इससे पहले 5 और 9 सितंबर को भी नौजवानों ने ट्विटर के जरिए बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के रोज छात्रों ने देशव्यापी ट्रेंड चलाया था, जिसमें अपील की गई थी कि अपने अपने घरों में 5:05 के लिए ताली थाली बजाएं। इस अपील का असर भी देखने को मिला था। बड़ी तादाद में छात्रों ने इस मुहिम से जुड़ते हुए ताली थाली बजाई थी। इसी तरह 9 सितंबर को दिया जलाकर छात्रों ने बेरोजगारी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया था। आप देख रहे हैं BHBC News।